दोस्तों 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में मोस्ट पॉपुलर फ़ोन मोटरोला G60 है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो 33% बैटरी है और 9:30-35 हो रहे हैं इसके अंदर। फ़ोन का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। COD टेस्ट करने वाले हैं, हमने एक पोल करा था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट इसी फ़ोन को मिले थे। तो इस फ़ोन के अंदर आज हम ये जो COD मोबाइल है इसको टेस्ट करेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी को। शुरुआत में तो ये जो है ट्रेनिंग मोड वगैरह करवाता है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ 10-15 दिन हो गए हैं इस फ़ोन को यूज़ करते करते, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगा इस फ़ोन के बारे में। आप कॉमेंट करना, कुछ भी जानना हो तो अपने सब्सक्राइबर्स को हम जरूर रिप्लाई करते हैं। दोस्तों सो COD मोबाइल के बारे में बात करें तो बेसिकली COD मोबाइल इसके अंदर काफ़ी अच्छा चलता है। मैंने इसके अंदर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी प्ले कर रखा है COD मोबाइल, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बस मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक सेटिंग्स आप देखोगे तो वेरी हाई के ऊपर आप जो है मैक्स पे जा सकते हो। यहाँ पे मैं मैक्स पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाई के ऊपर आप मैक्स के सेटिंग्स देख सकते हो। तो ग्राफिक की सेटिंग स्क्रीन पे आपके सामने है, सब कुछ देख सकते हो। कुछ भी जानना हो तो कमेंट करना, जरूर रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक जो है मैच लगाता हूँ मैं यहाँ पे TDM का, और गेम प्ले दिखाऊंगा आपको कैसा चलता है इसके अंदर। दोस्तों PUBG से थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को ग्राफिक COD मोबाइल का, आप बताना आपको कैसा लगता है। COD मोबाइल खेलने में इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। बैटरी वगैरह की बात करूँ तो थोड़ा सा बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है मेरे को जब से इसके अंदर एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया है इस फ़ोन के अंदर। उससे पहले इसके अंदर काफ़ी अच्छी बैटरी चलती थी, लेकिन अब भी इतनी बुरी नहीं चलती कि कोई परेशानी आए मेरे को। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके खेलना चाहोगे तो हीट होने लगता है, थोड़ी बहुत लैग भी होने लगता है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए आप देख लेना, उसके लिए ये फ़ोन नहीं है। लेकिन आपको बता दूँ बिना स्क्रीन रिकॉर्ड के आपको केवल गेमिंग के मज़े लेने हैं, गेम इंजॉय करना है, तो उसके लिए आप ये फ़ोन ले सकते हो। हाँ, ब्राइटनेस 50% से ऊपर मत करना। अभी आप स्क्रीन पर देखो सारी चीज़ें, एनिमीज वगैरह भी आ रहे हैं तो सारी चीज़ें मैं देख सकते हो आप कि मैं कितनी स्मूथली खेल पा रहा हूँ इस फ़ोन को। कोई भी लैग वगैरह मेरे को फेस करना नहीं पड़ रहा। मेरे इस फ़ोन के अंदर BGMI, फ्री फायर, बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे COD मोबाइल खेल रहा हूँ बिना किसी दिक्कत के। इंटरनल स्टोरेज अगर आपका दोस्तों 60% से ज़्यादा भरा रहेगा तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस खाली रखो। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी परसेंटेज अभी 32% है, 9:40 हो रहे हैं। बेसिकली मैंने इस फ़ोन को यूज़ करा है तो मैं अपना जो है रिव्यू दे रहा हूँ वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करके। पीछे थोड़ा बहुत हीट हुआ था क्योंकि जो ब्राइटनेस है वो मैंने 50% से ऊपर रख रखा था, इसलिए फ़ोन हीट हुआ था। वैसे हीटिंग का इशू इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब तक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते, स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो हीट होता है ये फ़ोन। हाँ, आपको कुछ भी जानना हो इसके बारे में तो कॉमेंट करना, मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ बता पाऊँगा। चैनल कर देना सब्सक्राइब, अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं अगले किसी काम की अटैक की वीडियो में।